हाय एवरीवन, आज हम एकदम चटपटी मसालेदार तरी वाले आलूओं की सब्जी बनाने वाले हैं, वो भी बिना प्याज और बिना लहसुन का इस्तेमाल किए, जो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। तो आइए बिना देरी किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पैन गरम करके इसमें मैंने डाल दिया है 3 बड़ा चम्मच ऑयल। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। 1 चुटकी हम इसमें हींग ऐड कर देंगे और 1 छोटा चम्मच यहाँ मैं साबुत जीरा डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच यहाँ मैंने सौंफ ऐड की है। 1 छोटा चम्मच कूटा हुआ धनिया ऐड किया है इसमें। इसी के साथ 1 तेज़पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। और खड़े मसालों में 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 लौंग लिए हैं और 1 इलायची डाली है। जितने भी खड़े मसाले हैं इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन्हें हल्का सा पका लेते हैं और जब ये हल्के से पक जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने से क्या होगा कि टमाटरों का पेस्ट तैयार नहीं होता है, ये थोड़े से दरदरे से रहते हैं। अब टमाटर डालने के तुरंत बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच यहाँ मैं जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और यहीं पर मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इससे आलू दम का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही में 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे और 1 छोटा चम्मच यहाँ मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही में 2 छोटे चम्मच यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इससे जो हमारी ग्रेवी बनेगी ना उसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। सारे मसालों को हम कुछ सेकेंड्स के लिए हल्का सा भून लेते हैं। अब मसालों को हल्का सा भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर दिया है क्योंकि मसालों को हमें आगे जाकर पकाना है तो ये जले नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। अब कवर करके लो फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट पकने देते हैं ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएँ और इनके अंदर जो भी ऑयल है वो रिलीज हो जाए। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया मसाला बन करके तैयार हुआ है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो मसाला पकने के बाद अब हम इसमें उबले हुए आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 10 से 12 आलू ले लिए हैं, आलू मीडियम साइज़ की हैं और इन्हें हम इस तरह से हाथों से मैश करते हुए डालेंगे। इन्हें काटना नहीं है और पूरा मैश भी नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैश करते हुए हम आलूओं को इसमें ऐड कर देंगे। तो अनइवन जो पीसेस होते हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। आलूओं को भी सब्जी के साथ हल्का सा कुक करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा ग्लास भर करके पानी। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अनुसार रख सकती हैं। पानी डालकर इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं और आखिर में हम इसमें थोड़ी सी रोस्ट की हुई कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और कसूरी मेथी डालने के बाद अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके कवर करके हम 5 मिनट और पका लेंगे ताकि आलूओं के अंदर भी मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए। और 5 मिनट के बाद लीजिए बन करके तैयार है बिना प्याज बिना लहसुन के बहुत ही बढ़िया सी खुशबूदार मसालेदार चटपटी सी आलूओं की सब्जी। और आप देख सकते हैं कि एक एक आलू मसाले के साथ कितनी बढ़िया तरह से कोट हुआ है, ये देखिए। तो गैस की फ्लेम ऑफ करके हम इसे ढककर 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम पर रख देंगे, उसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस सब्जी को आप पूड़ी के साथ खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।